G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आज भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होगी फोटोग्राफी। भारत मंडपम में अष्ट धातु से बनी 27 फुट ऊंची नटराज की लगाई गई मूर्ति। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। 350 करोड़ के कौशल विकास घोटाले में सीआईडी ने किया गिरफ्तार नायडू पर 118 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा। वेणुगोपाल आज जयपुर में प्रमुख नेताओं की लेंगे बैठक। अल्बर्ट हॉल में कोर कमेटी की होगी बैठक। चुनावी रणनीति पर होगी बैठक। मधुसूदन मिस्त्री ने आलाकमान को दिया था बैठक का फीडबैक। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी 1000 इंदिरा रसोईयां। प्रियंका गांधी 10 सितंबर को करेंगी इंदिरा गांधी रसोई योजना ग्रामीण की लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक। मुख्य सचिव उषा शर्मा और अन्य अफसर भी रहे साथ। तमिलनाडु सीएम के बेटे के विवादित बोल। खेल मंत्री उद्यनिधि के सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी का जयपुर में जमकर विरोध। राज्यपाल कलराज मिश्र को राष्ट्रपति के नाम गणमान्य व्यक्तियों ने सौंपा ज्ञापन। अजमेर में दो कांग्रेसी नेताओं में टिकट को लेकर तकरार। पूर्व विधायक जयपाल ने मानहानि का किया दावा पेश। हेमंत भाटी पर लगाया मानहानि का आरोप। दौसा में पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। गंभीर होने के कारण एएसआई जगदीश बैरवा कांस्टेबल बालवीर जयपुर। जयपुर में हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों पर पुलिस का एक्शन। पुलिसकर्मियों ने हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों को बसों में डाला। एम्बुलेंस कर्मियों को शहीद स्मारक से दूसरे स्थान पर किया शिफ्ट। चूरू के बिदासर के गांव लोहारा में 11,000 केवी का तार टूटने से खेतों में लगी आग। आग से खेतों में खड़ी फसलें और बाढ़ जलकर हुई नष्ट। किसानों ने लोहारा सारसंगर सड़क मार्ग को किया जाम। धौलपुर में कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के गोदाम में हुई लूट। बाइक सवार दो बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। गल्ले में रखे करीब 80,000 रुपए की लूट की बात आ रही सामने। पीड़ित ने दी पुलिस को। अनूपगढ़ के खाजूवाला में इन दोनों ओवरलोड वाहनों का बोलबाला। आरटीओ और डीटीओ कर रहे मात्र खाना पूर्ति। मिट्टी से ओवरलोड ट्रक पर बिना तरपाल के दौड़ा रहे हैं बेकॉन्स। करौली में युवक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को किया सुपुर्द। सुसाइड के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शाहपुरा में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत एक गंभीर घायल। दौलतपुरा चौराहे के पास की घटना। दौसा के सिकराय में स्कूल से लौटते हुए डिवाइडर से टकराई बाइक। हादसे में एक छात्र की मौत। घायलों का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी। भीलवाड़ा में नशे के आदि पति ने पीट कर की पत्नी की हत्या। बच्चा नहीं होने पर पति ने की पत्नी से मारपीट। सामान्य मौत बताकर अंतिम संस्कार की तैयारी। पुलिस ने चिंता से उठाया शव। सिरोही में 67वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। दीप प्रज्वलित कर किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। 12 टीमों में 255 खिलाड़ियों ने लिया भाग। धौलपुर के बाड़ी में लोक देवता गोगाजी की भव्य कलश शोभा यात्रा। शोभा यात्रा को एसडीएम ने किया रवाना। जगह जगह शोभा यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। माउंट आबू के अथर देवी मंदिर पर दिखा मादा भालू का मूवमेंट। मादा भालू का अपने बच्चे के साथ दिखा विचरण। रहवासी इलाकों में वन्य जीवों के आने से लोगों में डर का माहौल। माउंट आबू के सालगांव के पास खेत में दिखा 6 फीट लंबा अजगर। खेत में अजगर को देख लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पर स्नेक कैचर अपनी टीम के साथ पहुंचे और अजगर का किया रेस्क्यू। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर श्रावक की मौत। वन क्षेत्र में श्रावक का किया अंतिम संस्कार। वन विभाग कर रही है श्रावकों की मॉनिटरिंग। अलवर में एडीजी कानून व्यवस्था आनंद श्रीवास्तव ने ली बैठक। पुलिस अधिकारियों की मिनी सचिवालय में ली बैठक। कानून व्यवस्था पर की गई चर्चा। सीकर में महंगाई पर रोक लगाने की मांग। अनुदान जारी करने और क्रॉप कटिंग शुरू करने की मांग। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। सवाई माधोपुर में बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई। 21.5 किलो डोडा चूरक किया बरामद। पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। आबू रोड में रिको पुलिस ने जुआ सट्टे पर की कार्रवाई। पुलिस ने 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 28,500 की राशि के साथ 4 गाड़ियां की बरामद। सीकर में बीजेपी नेता अर्जुन तिवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बड़ा आंदोलन की करने की दी चेतावनी।
अजमेर में आई बैंक सोसाइटी की ओर से आयोजित नेत्रदान पखवाड़ा हुआ संपन्न। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलके नेपालिया ने कहा, नेत्रदान को लेकर लोगों में आई खासी जागरूकता। जैसलमेर के फतेहगढ़ में किराना की दुकान में लगी आग, किराना का सामान जलकर हुआ राख। फतेहगढ़ के डागरी क्षेत्र का है पूरा मामला। जयपुर के हसनपुरा रोड के शांति नगर में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई, प्रैक्टिस करते फर्जी डॉक्टर का खुलासा। मौके से बड़ी तादाद में दवाएं बरामद। एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, तो बाड़मेर डिस्कॉम का स्टोर इंचार्ज दलित किशोर 2500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप। खराब ट्रांसफॉर्मर को बदलने की एवज में मांगी थी। रावतसर में गरमाया व्यापारी से मारपीट का मामला, घटना को लेकर लोगों में रोष, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम। डीएसटी टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नागौर के खीवसर में किसानों को धरना स्थल से हटाने का मामला, नाराज किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पुलिस पर परेशान करने का लगा आरोप। बूंदी के अधीक्षक अभियंता जगदीश बैरवा, बिजली विभाग को किया एपीओ। 100 ट्रांसफॉर्मर हिंडोरी नैनवा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने का आश्वासन पर मंत्री अशोक चांदना ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना किया समाप्त। करौली जिला मुख्यालय में गोविंद देव जी मंदिर के तीसरी खाटू श्यामजी डाक निशान यात्रा हुई रवाना। खाटू धाम के लिए निकली यात्रा में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते गाते और हाथों में निशान ध्वज थामे आए नजर। चूरू के रतनगढ़ बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की प्रचार का रथ आगाज। 13 सितम्बर को रतनगढ़ सभा का परवान पर तैयारियां। रथ को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया रवाना। विराटनगर में कृषि कार्य करते समय महिला की हुई मौत, महिला को सांप ने डसा, डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेला इस समय परवान पर, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु मेले में अव्यवस्थाओं के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन शाखा की दो बड़ी कार्रवाई, निमेड़ा खगांव में और सिरसी रोड इलाके में जेडीए का एक्शन। फुटपाथ और पार्किंग के एरिया में रखा था अतिक्रमण। धौलपुर में युवती का घर में शव मिलने से मची सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। परिजनों ने दो युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। डूंगरपुर में राजस्थान सरकार मिशन 2030 की कार्यशाला में चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। सभापति अमृत कलासुआ ने आयुक्त दुर्गेश गवल की कार्यशैली पर उठाए कई सवाल, कहा शहर के विकास कार्यों को अवरुद्ध करके मिशन 2030 की बात करना है गलत। डूंगरपुर में डीजल संग्रहण और भंडारण पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे पर भंडारण का 35,940 लीटर डीजल जब्त, नकली डीजल बनाने का केमिकल भी किया जब्त। बीकानेर में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग, कामधेनु बीमा योजना और गोपालन विभाग के कार्यों का किया जाएगा बहिष्कार, पशु चिकित्सालयों ने लिया फैसला। सीकर में कंप्यूटर अनुदेशकों ने सौंपे ज्ञापन, मुख्यमंत्री गहलोत के नाम दिया गया ज्ञापन। राज्य सरकार ने अपने समायोजन की उठाई मांग। शाहपुरा में हुआ भीषण सड़क हादसा, एक बाइक को ट्रक ने मारी पीछे से टक्कर, बाइक सवार बालिका की दर्दनाक मौत, एक घायल। बीकानेर ने भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर चल रही तैयारियां, जगह जगह बनाए गए स्वागत द्वार। 10 सितंबर को भी डूंगरगढ़ के रास्ते बीकानेर में प्रवेश करेगी ये परिवर्तन संकल्प यात्रा। डूंगरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामला, कोर्ट का सुनाया फैसला, आरोपी को 20 साल की सजा और 2.5 लाख जुर्माना लगाया। अजमेर में लोक देवता गोगाजी का मनाया जन्मोत्सव, छड़ियों के निशान पर निकाला गया जुलूस, शहरवासियों ने धूप लगाकर परिवार की खुशहाली की कामना की। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क का लोकार्पण, लोकार्पण को लेकर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूनिट मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी भी बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का सीकर दौरा, प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सनातन धर्म विरोधी, कांग्रेस के राज में आमजन परेशान। बांसवाड़ा में पुलिस ने बच्चों को यौन शोषण को लेकर जागरूक करने के लिए लघु फिल्म तैयार, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने नागेंद्र साई कॉलेज में फिल्म का किया लोकार्पण, आईजी एस पमला सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। राजसमंद में खेत पर काम कर रही बालिका पर पैंथर ने किया हमला, ग्रामीणों ने घायल बालिका को केलवाड़ा चिकित्सालय में करवाया भर्ती। आए दिन पैंथर के हमले से ग्रामीण परेशान, कुंभलगढ़ वन क्षेत्र में है पूरा मामला।
बांसवाड़ा में जनसंख्या अनुपात में एक बार फिर आरक्षण की मांग। कलंजुरा क्षेत्र में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोग, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा, कई लोगों को लिया हिरासत में। अमूल डेयरी अब चित्तौड़ डेयरी से खरीद रही है दूध, हर दिन खरीद रही है 1 लाख लीटर दूध। चित्तौड़ डेयरी को हो रहा है 56 लाख का भुगतान। जयपुर के चाकसू में अवैध गैस ट्रिपलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बाढ़ मुरलीपुरा ने दी दबिश। मौके से 203 एलपीजी गैस सिलेंडर, दो पिकअप जब्त, 4 से 5 लोगों को रिटेन करने की सूचना। पाली में किसान संघर्ष समिति की महारैली, बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना। सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों ने दिया धरना। कांग्रेस विधायक साफिया जुबेर का बड़ा बयान, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलते हैं, भाजपा की झूठ की राजनीति है, धर्म के नाम पर लोगों का लड़वा है। अजमेर में सिंधी भाषा विकास परिषद का नाटक और संगोष्ठी समारोह कार्यक्रम, 10 सितंबर को होगा कार्यक्रम का आयोजन। विधायक वासुदेव देवनानी के घर पर पोस्टर का विमोचन। जैसलमेर में हुआ एक चिंकारा हिरण का शिकार, वहीं एक चिंकारा हिरण ने बच्चे को रखा था बांध कर। मामले में 2 युवकों को किया गया डिटेन, पुलिस और वन विभाग कर रहे हैं मामले की जांच। जैसलमेर में चिंकारा हिरण के शिकार का मामला आया सामने, वन विभाग की टीम आरोपी को लेकर पहुंची घटनास्थल, चलाया सर्च ऑपरेशन, हिरण के पैरों के 4 खुर और आंते बरामद। अलवर के तिजारा में बाईपास रोडवेज पर बस निकलने पर जताया विरोध, सवारियों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। भारी तादाद में ग्रामीण रहे मौजूद लोगों ने रोडवेज बस प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल का जैसलमेर के भणियाणा का दौरा, आसपास के गांवों में कई सामाजिक आयोजन में की शिरकत। अंजना मेघवाल ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। भरतपुर में सेब बेचने वाले को कम से तोलना पड़ा भारी, पुलिसकर्मी ने फल विक्रेता को मौके पर ही दंड देकर निकलवाई उठक बैठक, भविष्य में माल कम ना तोलने की भी चेतावनी। कोटा में जवाहर नगर थाना पुलिस ने 10 से 12 घंटे पुराना शव किया बरामद, पुलिस ने हत्या के आरोप में मकान मालिक को किया डिटेन। जवाहर नगर के तलवंडी सेक्टर का है पूरा मामला। नीमका थाना के श्री माधोपुर में रेलवे अंडरपास बनाने की मांग, फाटक संख्या 97C 98C के मध्य अंडरपास बनाने की मांग, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। ब्यावर में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती का जाल में फंसाया युवक, के अश्लील वीडियो बनाया वायरल करने की दी धमकी, युवती ने 97,000 रुपए वसूले, मामला दर्ज। बारा के अंता में सड़क चौड़ाईकरण के दौरान देवताओं का चबूतरा हुआ क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रशासन के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। 12 सितंबर को करौली आ सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, श्री महावीर जी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जिला कलेक्टर और एसपी ने लिए अधिकारियों की मीटिंग, भोजन व्यवस्था और रूट का लिया जाएगा। डूंगरपुर में शराब के नशे में पत्नी और मां से मारपीट, बीच बचाव में आए बड़े भाई की गर्दी हत्या, वारदात के बाद आरोपी छोटा भाई फरार, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। जयपुर में डीसीपी वेस्ट संजीव नैन के निर्देश पर करधनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अप्रैल 2022 में जेल से बाहर आया नकबजन को किया गिरफ्तार, तो वहीं 59 नकबजनी के प्रकरणों में पहले हो चुका है ये आरोपी गिरफ्तार। डी के कामा के पूर्व विधायक समसुलन हसन में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में भीड़ एकत्रित करने के लिए तोड़ी मर्यादा, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास लड़कियों से अश्लील गानों पर करवाया डांस, लोगों ने घटना को लेकर जताई नाराजगी। हनुमानगढ़ के रावतसर में व्यापारी से मारपीट करने के मामले को लेकर व्यापारियों का धरना प्रदर्शन, व्यापारियों ने बंद करवाया बाजार, जीएसटी टीम को बर्खास्त करने की मांग, मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बूंदी के कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, खेल मंत्री अशोक चांदना भी हुए शामिल, बिजली समस्या को लेकर विभाग के खिलाफ खुला मोर्चा। सिरोही के माउंट आबू के हेमटीटी के पास चट्टान पर दिखा पैंथर का मूवमेंट, पैंथर शिकार करने के लिए जंगलों से निकला बाहर, वन्य जीवों की आबादी क्षेत्र में आने से लोगों में बना दहशत का माहौल। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन शाखा की 2 बड़ी कार्रवाई, फुटपाथ और पार्किंग एरिया पर किया था अतिक्रमण, जेडीए ने अतिक्रमण को किया ध्वस्त। भरतपुर के नदबई में शॉर्ट सर्किट के चलते कार में लगी आग, कार चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
दौसा की गणेशपुरा ग्राम पंचायत में सरकारी धन की बर्बादी, पहले बनाई और अब उखाड़ रहे लोग। लोगों में रोष व्याप्त, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों ने आपसी विवाद वजह बताई। चौक में मेगा जॉब फेयर का हुआ आयोजन, 12,000 युवाओं ने किया रजिस्ट्रेशन, 1200 युवाओं को मिली नौकरी, खेल मैदान में हुआ यह आयोजन। भरतपुर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का है प्रस्तावित दौरा। दौरे को लेकर कलेक्टर और एसपी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। चौक के उनियारा में पिकअप ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में दो युवकों की मौत, सवाईमाधोपुर स्टेट हाईवे पर हुआ यह हादसा। सरदार शहर में प्रतिभावान छात्रों का होगा सम्मान, 16 सितंबर को आयोजित होगा कार्यक्रम। स्वदेश ग्रामीण विकास कॉरपोरेशन की ओर से प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम, कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम। साक्षरता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों का हुआ सम्मान। जैसलमेर के रामगढ़ में ट्रक मालिकों की हड़ताल जारी, ठेकेदार के ट्रकों को रोका, ढुलाई कर बढ़ाने की मांग को लेकर 24 दिनों से जारी है हड़ताल। सच बेहड़क मीडिया ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट श्री याकूब पहुंचे भीलवाड़ा, राज्य मंत्री धीरज गुर्जर की दादी के निधन पर जताया शोक, राज्य मंत्री धीरज गुर्जर से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। भीड़वाना के लाडनू गेट स्थित रेलवे फाटक पर बने ओवरब्रिज की सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढे, गड्ढों के कारण फट रहे वाहनों के टायर। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने मामले में जताई नाराजगी, पुलिस की मरम्मत को लेकर पुलिया की मरम्मत को लेकर अधिकारियों से वार्ता करने की कृपा। अलवर में पुलिस ने एक युवती के इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेजने के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, पीड़िता और उसकी बहन को भेजे अश्लील मैसेज, पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर शुरू की पूछताछ। अलवर में एक व्यक्ति की कीटनाशक दवा खाने से मौत, शराब के नशे में पत्नी ने विवाद के बाद खाई थी दवा, अश्वेत अवस्था में परिजनों ने अस्पताल में करवाया था भर्ती, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया सुपुर्द। जयपुर के सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश के माइनर मिनरल्स की रॉयल्टी और डेट्रेंट की नई दरें की जारी, तत्काल प्रभाव से होंगी लागू, अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्रीमती बीनू गुप्ता ने दी जानकारी। सीकर के दाता रामगढ़ में बढ़ा वायरल बीमारियों का प्रकोप, बुखार और डेंगू रोग से ग्रसित मरीजों की बड़ी संख्या, सीएचसी की प्रतिदिन की ओपीडी पहुंची 550 के पार, चिकित्सकों ने आमजन को घरों और आसपास के इलाकों में सफाई रखने की सलाह दी। कोटा में साइलेंट अटैक से हुई युवक की मौत, 3 दिन पहले दोस्त के साथ बाइक के रामदेवरा यात्रा पर गया था युवक, घर आने के बाद सीने में दर्द की हुई थी शिकायत, इलाज के दौरान हुई मौत। चूरू के सरदार शहर में सरकारी स्कूल में स्वर्गीय वैज्ञानिक बजरंग लाल सोनी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, तो वहीं बजरंग लाल सोनी के परिवार ने स्कूल की 125 बालिकाओं को पाठ्य पुस्तक सामग्री और फलाहार किए वितरित। कोटपुतली में विराटनगर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, रेंज स्तरीय अभियान के तहत वांछित आरोपी को पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर शुरू की जांच, कोटपुतली बहरोड एसपी नीता शर्मा के निर्देशन में अभियान जारी। धौलपुर के बाड़े में बंदरों ने झुंड बनाकर युवक पर किया हमला, हमले में युवक के सिर में आई गंभीर चोट, दोनों हाथ हुए फ्रैक्चर, कई लोग हो चुके बंदरों के हमले का शिकार, शिकायत करने पर नहीं हुई कोई भी जनसुनवाई। बारा के छबड़ा में किसान आंदोलन का मामला, पुलिस ने पूर्व छात्र संघ महासचिव नरेश मीणा को जमानत पर छोड़ा, आंदोलन में उपद्रव के आरोप में किया था गिरफ्तार। झुंझुनू में पुलिस ने एसएफआई जिलाध्यक्ष को धमकी देने के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, प्रोडक्शन वारंट पर देश बंधु को गिरफ्तार कर शुरू की पूछताछ, आरोपी पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में भी था शामिल। अलवर में वीएचपी और बजरंग दल ने मिनी सचिवालय पहुंचकर एसपी को सौंपा ज्ञापन, उदयनिधि स्टैलिन और प्रियंक खड़गे के खिलाफ शहर के कई थानों में दर्ज करवाए मामले, दोनों पर धार्मिक उन्माद फैलाने का, जन समुदाय में वर्ग संघर्ष हिंसा पैदा करने का लगाया आरोप। बूंदी में हिंदू समुदाय के युवाओं ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ पुलिस को दिया परिवाद, भाजपा प्रवक्ता अनिल जैन के सानिध्य में एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिया ज्ञापन, थाने का घेराव करने की दी चेतावनी।